लालू यादव जी की पूंजी ही है अभद्रता, अशिष्टता। मैं तो उनको जानता हूँ 1971 से जब छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे पटना विश्वविद्यालय में। लालू यादव जी की डिक्शनरी में शिष्टाचार, सम्मान यह शब्द है ही नहीं। राजद नेता लालू प्रसाद जी को नाराजगी कांग्रेस से उस दिन से है जब UPA दोबारा सरकार में आई और उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। साथ ही साथ UPA सेकंड जो चला उसमें मनमोहन सिंह की सरकार ने अध्यादेश लाकर उनको जेल जाने से बचाने का काम नहीं किया। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव होने हैं। लालू प्रसाद यादव को दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारना भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कांग्रेस नेता भक्ति चरण दास पर उन्होंने भगचौना शब्द का इस्तेमाल किए हैं, तब से ये शब्द उन पर भारी पड़ रहा है। यही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने एक निजी एजेंसी से बात करते हुए कहे हैं कि कांग्रेस को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, नेशनल लेवल पर जानता हूँ, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, वो आगे बढ़े। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा उन पर जोरदार प्रहार करते हुए कहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव को 1971 के दशक से जानते हैं, लालू प्रसाद यादव में कभी भी ऐसी बातें नहीं देखी गई कि जहां से वो किसी की इज्जत करते नजर आए हों। वो हमेशा सभी का अपमान करते हैं और अपशब्द का प्रयोग वो पहले से ही करते आ रहे हैं। यहां तक के उन्होंने कह दिया है कि वो भले ही वो अपने माँ बाप को सम्मानजनक शब्द से वो सूचित वो कर रहे हों, ये तो ईश्वर ही जानते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा है कि लालू प्रसाद यादव किसी की इज्जत कर रहे हों। आगे क्या कुछ कह रहे हैं अनिल शर्मा, पहले वो सुन लीजिए। महागठबंधन में दरार आने का तात्कालिकरण कारण कन्हैया की ज्वाइनिंग लोगों को नजर आता होगा, मगर सच्चाई कुछ और है। राजद नेता लालू प्रसाद जी को नाराजगी कांग्रेस से उस दिन से है जब UPA दोबारा सरकार में आई और उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। साथ ही साथ UPA सेकंड जो चला उसमें मनमोहन सिंह की सरकार ने अध्यादेश लाकर उनको जेल जाने से बचाने का काम नहीं किया। इसके साथ साथ नाराजगी इसलिए भी लालू प्रसाद जी को है कि बिहार में जिस पप्पू यादव को राजनीतिक रूप से वो ख़त्म करना चाहते हैं, उस पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन जी को क्यों कांग्रेस में शामिल कराया गया और क्यों रंजीता रंजन को सेक्रेटरी बनाया गया, उनकी निजी नाराजगी खुन्नुस रंजीता रंजन और पप्पू यादव से देखने को उस समय मिला जब लोकसभा का चुनाव रंजीता रंजन लड़ रही थी और उनके खिलाफ उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। साथ ही साथ लालू प्रसाद जी की नाराजगी का यह भी एक बड़ा कारण है कि जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी उस समय सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी, 81 MLA उनके थे, तो नाराजगी उनको कांग्रेस नेतृत्व से और कांग्रेस से इस बात को लेकर है कि आखिर 71 सीट पाने वाले जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने में कांग्रेस ने क्यों मदद किया। यह सारा मुख्य रूप से कारण है, यही कारण है कि लालू प्रसाद जी कांग्रेस से पूरी तरह से असहज हैं, अनकंफर्टेबल हैं और कांग्रेस को परेशान करना चाहते रहे हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक के माफ़ी मांगने का सवाल है और अभद्र टिप्पणी और माफ़ी मांगने का सवाल है, तो लालू प्रसाद जी पहली बार कोई थोड़े किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। मैं तो उनको जानता हूँ 1971 से जब छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे पटना विश्वविद्यालय में। लालू यादव जी की डिक्शनरी में शिष्टाचार, सम्मान यह शब्द है ही नहीं। लालू यादव जी अपने आदरणीय माता पिता जी को भले सम्मानजनक शब्द सम्मान सूचक शब्दों से संबोधित किए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके अलावा अंतर मन से उन्होंने इस दुनिया में किसी को सम्मान के भाव से देखा होगा और उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया होगा। लालू यादव जी की पूंजी ही है अभद्रता, अशिष्टता। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैं लालू प्रसाद यादव को 1971 से जानता हूँ, वो किस प्रकार के वो नेता हैं, क्योंकि जब से वो राजनीति में पांव रखे हैं तब से मैं उनको जान रहा हूँ कि वो किसी का सम्मान नहीं करते हैं, सभी का वो अपमान करते हैं। आज वो भक्त चरण दास पे बातें कह दी है, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसका बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, साथ ही साथ न्यूज फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।